हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो आज के दिन के एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में इस टाइम पे आप सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा आप जिनके बारे में सोचते हैं इस टाइम पे, जिनका ख्याल आपको आ रहा है, उन पर्सन की फीलिंग्स, उन पर्सन की एनर्जीज इस टाइम पे आपको लेकर क्या है, आज के दिन में क्या एनर्जीज़ रहेंगी उन पर्सन की आपको लेकर। स्पेशली आज के दिन की एनर्जीज़ को मैं चेक करूँगी। जब भी रीडिंग मिल रही है गाइस आपको, उस टाइम पे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज अगर आपको मैच कर रही हैं, सो आज एनर्जीज बहुत क्विक मुझे मिल गई हैं, यानी कि कार्ड शफल करना स्टार्ट किया था मैंने, उसी टाइम मुझे क्विक एनर्जीज मिली है। इस एनर्जीज को मैं ले लूँगी, मैं रख रही हूँ अपने पास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली वाइब्रेशन मुझे मिल रही है इस एनर्जीज में, कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन टाइम पे आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, सपनों में देख रहे हैं, ड्रीम्स में आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं इन पर्सन की जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इन पर्सन ने आपके साथ में या तो कोई फ्यूचर प्लानिंग करी थी, मैरिज करना चाहते थे, कोई कमिटमेंट दिया था पास्ट में, कुछ तो चीज़ें मुझे यहाँ ड्रीम्स रिलेटेड नज़र आ रही हैं। कोई वादा किया था इन पर्सन ने आपसे पास्ट में। हाल फिलहाल में इन पर्सन ने कोई ऐसा ड्रीम देखा है गाइस, कोई सपना देखा है जिसमें ना इन्हें आप दिखे हो। उस सपने को देख के, उस ड्रीम को देख के ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। एनर्जीज मिल रही है मुझे, पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए। शायद कल रात की एनर्जी हो सकती है कि पर्सन ने सपने में, ड्रीम में आपको देखा है, आपको देखते ही पर्सन इमोशनल हो गए, दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा अपने आप को, इन पर्सन की जो फीलिंग्स मुझे आप मिल रही है कि इन पर्सन को अपने आप को जैसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बहुत ज़्यादा जैसे आपके बारे में सोच कर ना एकदम से पर्सन दुखी हो गए। पहले बहुत ज़्यादा खुश हुए पर्सन, फिर अचानक से पास्ट को सोच के कि कितना ज़्यादा हैप्पी पास्ट था इन पर्सन का आपके साथ में सोच के, और अचानक से फिर ये पर्सन दुखी भी हो गए इस बात को सोच के कि अब ये पर्सन उस टाइम पे आपके साथ में नो कांटेक्ट में है, आपसे दूरियों में है। क्या वजह रही उस चीज़ की, उस चीज़ की एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साइलेंस एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है। सेकेंड एनर्जीज यहाँ पे इन पर्सन की साइलेंस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है गाइस क्या ये पर्सन इस टाइम पर, क्योंकि एनर्जीज मुझे ऐसी मिल रही है कि पर्सन इस टाइम पर आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट में है। डेफिनेटली पर्सन आपके साथ में समय नो कॉन्टैक्ट में है, दूरियों में है, ऐसा शो कर रहे हैं कि हाँ जैसे ही पर्सन समय आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। बट बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है गाइस कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पर यही पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत लंबा समय हो गया है इन पर्सन को अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते करते, कि ये पर्सन आपसे कई बार, मैं यहाँ पर देख रही हूँ एनर्जीज आ रही कि इन पर्सन को जिसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे पर्सन आपसे एकदम से कह देना चाहते हैं। एनर्जीज ऐसी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे शो कर रही है ऐसे कि जब भी पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं ना, देखिए अभी तो ये पर्सन आपके साथ में भले ही नो कांटेक्ट में है, कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, इवन आप भी अगर इन पर्सन को अपनी तरफ से कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो तो ये पर्सन उसका नहीं आंसर कर रहे। बट जब भी ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, पर्सन सडन कॉन्टैक्ट करेंगे, यानी कि अचानक ही कॉन्टैक्ट करेंगे, जब भी पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने वाले होंगे ना, तब आपको जैसे पहले से एकदम से ही पता ही नहीं चल पाएगा कि हाँ ये पर्सन इस टाइम पर कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। फिर अच्छा इतना कुछ ये पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे ही पर्सन आपके कांटेक्ट में आएंगे डेफिनेटली पर्सन बहुत कुछ आपसे कहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे उन चीज़ों के लिए जिन पर्सन को उनको ऐसा लगता है जो चीज़ें इनसे मिस्टेक हुई है, जो चीज़ें इनसे रॉन्ग हुई है। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इन पर्सन की तरफ से आपके लिए। पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सॉरी है पर्सन, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको जब भी कॉन्टैक्ट करेंगे, सडन कॉन्टैक्ट करेंगे, अचानक कॉन्टैक्ट करेंगे, और अचानक से कॉन्टैक्ट करके आप समझ भी पाएंगे कि पर्सन आपके लिए इतना कुछ महसूस कर रहे थे, इतना सारा महसूस कर रहे थे चीज़ें, और आपसे शेयर क्या कर रहे थे, कुछ भी शेयर नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन पर्सन अपनी फीलिंग को उस टाइम पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। आज के दिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी है कि पर्सन आपसे जुड़ी ना कुछ मेमोरीज़ को सोच रहे हैं, कुछ मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, कुछ पिक्स हो सकती हैं इन पर्सन के पास में आपकी या फिर पास से रिलेटेड, उन पिक्स को देख रहे हैं, पिक्स को देख देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल होकर पर्सन सोच रहे हैं कि उन पर्सन की लाइफ में इतने ज़्यादा बिग चेंजेस आए कि आप इन पर्सन से इतना ज़्यादा दूर हो गए हो। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पे इन पर्सन की आज के दिन में आपके लिए नज़र आ रही है कि पर्सन कुछ आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अलोन महसूस कर रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई फीलिंग को आपसे शेयर करना चाहते हैं। फाइनल एनर्जीज यहाँ पे निकल कर आ रही है पेज ऑफ कप्स, लवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स।
पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि पर्सन अब तो कुछ आपको देना चाहते हैं। बहुत जल्दी पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में मुझे शो हो रहे हैं कि आपको कुछ देने के लिए आ रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है, लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आज के दिन में आपको लेके महसूस कर रहे हैं। साथ में एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बहुत जल्दी पर्सन आपको लेकर कोई एक्शन ले सकते हैं या आपकी लाइफ में लौटने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत जैसे ही कर मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि डेफिनेटली पर्सन आपके पास लौटेंगे। आई होप आपके साथ में जो रीडिंग है रेजोनेट करे। टू द टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।